बीजेपी ने एक बार फिर साबित किया कि छत्तीसगढ़ में उससे पार पाना यानी कि लोहे के चने चबाने जैसा है। 2019 में कांग्रेस के हाथ आई 2 सीटों में से, अब उसके पास सिर्फ 1 सीट बची हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आलाकमान की उम्मीदों को पूरा करते हुए प्रदेश से 10 सांसद सदन भेजे। अब उसे ये उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के को भी एक नेतृत्व मिलेगा, जिसे लेकर अभी से कई दावेदार सामने भी आने लगे हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के लक्ष्य के साथ चलने वाले बीजेपी संगठन ने छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर कमल खिलाकर बीजेपी आलाकमान को जीत का तोहफा दिया है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा, वहीं छत्तीसगढ़ में संगठन ने आलाकमान के भरोसे को न सिर्फ पूरा किया बल्कि और मजबूत किया है। जीत बड़ी है तो उम्मीदें भी अब बड़ी लगाई जा रही है। संगठन को विश्वास है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब छत्तीसगढ़ का कद बढ़ेगा और मोदी कैबिनेट में कम से कम 3 मंत्री छत्तीसगढ़ के होंगे। बृजमोहन अग्रवाल दौड़ में सबसे आगे, 8 बार लगातार विधायक, जीता विश्वास, 24 के चुनाव में 5 लाख से ज्यादा से जीत। संतोष पांडे ने दोबारा जीता राजनांदगांव। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दी पटखनी। विजय बघेल के दुर्ग में कांग्रेस की हार। कद्दावर नेता, बीजेपी का मजबूत हथियार। छत्तीसगढ़ से इन 3 नेताओं का दावा सबसे मजबूत नजर आता है, लेकिन डिप्टी सीएम अरुण साव का कुछ और ही मानना है। देखिए, कौन केंद्र में मंत्री बनेंगे ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर पाएंगे, छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ से हर बार 9-9 सांसद जीतने के बाद भी मंत्री पद नहीं मिलता। लगता है कि जैसे बीजेपी आलाकमान को उनमें काबिलियत ही नहीं दिखती। जब 9-9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती? मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। बीजेपी नेता 10 सीट जीतने के बाद उत्साहित हैं। 24 की लड़ाई में खुद को साबित करने वाले नेता भी अब दिल्ली की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब दिल्ली से बुलावा आएगा। लेकिन मंत्रिमंडल गठन में अभी वक्त है। अब तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ही ये साफ होगा कि छत्तीसगढ़ से मंत्री पद का सेहरा किसके सिर बंधेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।